राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश के हरदोई को देश में दूसरा स्थान मिला है। दूसरा स्थान मिलने पर हरदोई जिला अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जिले को यह उपलब्धि केंद्र सरकार द्वारा संचालित पूरे देश में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत सामुदायिक शौचालय निर्माण में प्राप्त हुई है। भारत सरकार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरदोई के जिला अधिकारी अविनाश कुमार व मुख्य विकास अधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने यह अवार्ड रिसीव किया है। इसी उपलब्धि के तहत हरदोई के सदर सांसद जयप्रकाश रावत ने अहिरोरी विकास खंड के कराही गांव में एक सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन किया तथा वृक्षारोपण कर स्वच्छता का संदेश भी दिया। भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत हासिल इस उपलब्धि में हरदोई जिले को दूसरा स्थान मिला है। यह उपलब्धि जिले को जन सहयोग व जिला प्रशासन की अटूट लगन व मेहनत से प्राप्त हुई है। इस राष्ट्रव्यापी उपलब्धि को पाकर जिले के लोग अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज हमारा ये ब्लड डोनेशन कैंप थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए गांव समोरा में यहां के युवाओं के सभी युवाओं के सहयोग से लगाया जा रहा है। हम सभी का इनका धन्यवाद करते हैं। युवाओं में बहुत ही ज़बरदस्त जोश है। आज पहला यहाँ का रक्तदान शिविर है और रक्तदान के बारे में डॉक्टर साहब ने काफ़ी कुछ बता दिया है कि रेगुलर ब्लड डोनेट करने से कोई कमजोरी नहीं आती। मैंने भी आज 63वीं बार ब्लड डोनेट किया है और थैलेसीमिया के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये वो बीमारी है जिनमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका खून नहीं बनता। हर 20-25 दिन बाद इन बच्चों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और थैलेसीमिया का अभी तक हमारी मेडिकल साइंस में कोई भी इलाज संभव नहीं हो पाया है। अगर कोई है तो वो बहुत ही महंगा और बहुत ही मुश्किल है। इससे बचने के दो ही रास्ते हैं। एक तो शादी से पहले लड़का और लड़की का ब्लड टेस्ट कराया जाना चाहिए, दूसरा प्रेगनेंसी के दौरान भी हर लेडी का टेस्ट होना चाहिए इसके बारे में, ताकि आने वाले बच्चे को इस बीमारी से बचाया जा सके और हमारे करनाल शहर में किसी भी मरीज को ब्लड की कमी ना हो। इसके लिए हम समय समय पर ब्लड कैंप्स लगाते रहते हैं। अगला जो हमारा रक्तदान शिविर है 11 अक्टूबर यानी आने वाले संडे को मानव सेवा संघ में, उससे अगला 18 अक्टूबर को करनाल के सिविल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में, फिर 26 अक्टूबर को बड़ा गांव में और 1 नवंबर को इंद्री में हमारे लगातार कैंप्स चलते रहते हैं। जो भी भाई आसपास रहते हैं सभी से अनुरोध है इन कैंप्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। धन्यवाद। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स बनाए जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जो 15 जून से लेकर के 15 सितंबर तक ये अभियान के अंतर्गत चलाया गया। इसमें जनपद हरदोई को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।